गजेंद्र भाई साहब ने जो बात कही वो बहुत सही है। देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, ये कैसे लोग एकत्रित आए हैं। वो जूनियर स्टालिन वहां पर कहता है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू, एड्स इसके जैसा है। वो कहता है ये कोविड जैसा है और कोविड को नष्ट कर देना चाहिए और हमारे धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे जो वहां पर मंत्री है वो भी कहता है सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। फिर इनके उत्तर प्रदेश के साथी कहते हैं सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। इस 140 करोड़ के देश में अगर कोई यहां पर ये कहता है कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, जो इस देश के 80% लोगों की आस्था है, उस आस्था को समाप्त करने का कोई अगर यहां पर सपना देखता है तो ऐसे सपने को चूर चूर करने का काम ये आपको करना होगा। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं उनकी राजनीति समाप्त हो जाए, इस प्रकार का काम ये आपको करना होगा। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहने के लिए यहां पर आया हूं, ये जागने का समय है। पिछले समय थोड़े वोटों से धोखा हो गया तो 5 साल पछता रहे हो, न बिजली है न पानी है, इस प्रकार की अवस्था आपकी हो गई। अब सारे लोग जागेंगे और जागकर जब आप लोग मैदान में आएंगे तो इस राजस्थान में भी मोदी जी का साथ देने वाली सरकार आएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी के इंजन के साथ अपना इंजन जोड़ेंगे तो राजस्थान के विकास की ट्रेन ऐसी गति से भागेगी कि राजस्थान को भी कोई कभी रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह आपके हाथ में है, इसलिए आपको निवेदन करता हूं परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अब परिवर्तन कीजिए। राज्य में यहां नहीं, यहां तो हमारे विधायक है और हमारे सांसद है, लेकिन राज्य में परिवर्तन कीजिए और बीजेपी के हाथ में बागडोर दीजिए।